आप सभी इस महामारी में जंग की योद्धा बने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका मेन दवा है, मेन इलाज है। और आप मास्क जरूर यूज करें और सैनिटाइजर से बार-बार हाथ को सैनिटाइज करें। और घर में है तो आप साबुन से हाथ धोएं, कोई भी साबुन आप हाथ धो लें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के कारण सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, क्लास 10th 12th और UGPG की। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो लॉकडाउन खुलने के बाद आफ्टर 15 डे आपका एग्जाम कंटिन्यू चालू हो जाएगा और आप एग्जाम की तैयारी करेंगे बैठकर प्रसन्न मन से। और जैसे कि बारहवीं की परीक्षाएं चल रही, हमारे बच्चे काफ़ी परेशान होंगे, उनकी परीक्षाएं कुछ पेपर हो गए कुछ बाकी हैं, तो कॉलेज में प्रवेश के लिए भी अपना प्रवेश प्रक्रिया का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो जैसे ही जो व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप हमारी संस्था में, हमारी संस्था रीवा में डाक रूम में आपको बता दिए, तो आप सभी हमारे कॉलेज में आकर या कॉलेज के मोबाइल नंबर फोन नंबर पर संपर्क करें, संपर्क कर सकते हैं। इसके और आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे वेल एंड स्टे हैप्पी। इसके पहले मेरा टॉपिक था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम प्रीवियस वीडियो में, और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम दोनों आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ओके, तो अपन बात करते हैं आज रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। वन इज पॉसिबल थ्योरेटिकल दैट वाइब्रेशन एंड रोटेशन ट्रांजिशन, मतलब कि और वाइब्रेशन रोटेशन संक्रमण है कंपनी का घूर्णन क्या ताकि हो रहे रमन ट्रांजिशन द सिलेक्शन ऑफ अ सेल एज द वन इन द सेपरेट ट्रांजिशन, मतलब कि सिलेक्शन को लेस सेपरेट ट्रांजिशन के लिए क्या रहेगा शेल रहता है। ओके, अपन ने लिखा डेल्टा बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जे इक्वल 0 प्लस माइनस 2। ओके, बी आपका क्या है लार्जेस्ट क्वांटम नंबर है और जे आपका क्या है लार्जेस्ट क्वांटम नंबर है। ओके, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में रहेगी, इसकी वैल्यू 0 से प्लस माइनस 2 के बीच में रहेगी। ओके, तो अपन इसको लेते हैं आर डायनामिक मॉलिक्यूल द परमाणु का वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी लेवल आर गिवन बाय आर बी इक्वल टू एस सी इंटू बी प्लस 1 बाई 2 ओमेगा ई माइनस बी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स ओमेगा ई प्लस एंड सो ऑन। ओके, आप देख पा रहे हैं यहां कि आर के साथ जो टोटल एनर्जी या स्प्रिंग करें तो आर से रोटेशनल बी से वाइब्रेशनल इस एनर्जी रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी विल इक्वल एस सी, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, इंटू हो जाएगा बी प्लस 1 बाई 2 ओमेगा ई ओमेगा की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है माइनस बी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स ओमेगा ई प्लस एंड सो ऑन। ओके, प्लस एस सी बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्सेस के यूनिट है। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बी है बी इक्वल टू बी प्लस 1 बाई 2 ओमेगा ई माइनस बी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स ओमेगा ई प्लस एंड सो ऑन प्लस बीजे बीजे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अपन आगे हम बात करेंगे देयर बी इक्वल टू 0.23 एंड सो ऑन एंड जे इक्वल टू 0.013 एंड सो ऑन। अप्लाइंग सेंसर रूल एज शॉर्टेड इफ ऑफ एंड वैल्यू 1 माइनस 2x ओमेगा ई इक्वल टू 0 बी है दिस इक्वल टू दिस। तो अपन देखते हैं डेल्टा जे इक्वल टू 0 का क्वांटम नंबर जे इक्वल टू 0 जे की थीटा इक्वल टू अब क्या होता है वी 0 बार आर वैल्यू ऑफ जी जे की सही वैल्यू के लिए। इसी प्रकार करते हैं डेल्टा जे इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा डेल्टा बी इंटू एस इक्वल टू वी 0 प्लस 2 बी इंटू जे प्लस 3 जे इक्वल टू 0 टू 3 एंड सो एंड डेल्टा जे इक्वल टू माइनस 3 इंटू डेल बी 0 इक्वल टू वी 0 माइनस 2 बी इंटू 2 जे प्लस 3, मतलब कि यहाँ पे तीन केस आया। एक बार हमने क्या लिया डेल्टा बी इक्वल टू 0 लिया,
एक बार हमने क्या लिया, डेल्टा बी इक्वल टू प्लस टू लिया, और एक बार हमने डेल्टा बी इक्वल टू माइनस लिया, तीनों के सुमेज की अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुई। तो अपन इसको आगे देखते हैं। हियर जीरो थीटा एंड एस रेफर्स टू द जीरो ब्रांच लाइन, थीटा ब्रांच एस का चेंज टू टू ली, मतलब जीरो थीटा एंड एस रेफर्स करने पर जीरो ब्रांच लाइन मिलती है थीटा और एस के ब्रांच के रिस्पेक्ट में। ओके, तो द लाइन विल बी एक बार एट द गिवन बाय डी थीटा इक्वल टू बी एफ माइनस डी थीटा, मतलब कि डी थीटा इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, बी एफ माइनस डेल्टा बी थीटा, आप समझ पा रहे होंगे। और डेल्टा बी थीटा का वैल्यू अपन निकाले हैं, डेल्टा बी थीटा की वैल्यू क्या है आपकी बी जीरो, हम यहां पे रख देंगे, हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू बी एफ माइनस कर लोगे बी जीरो, यूनिट्स क्या थी सेंटीमीटर इन प्लस आर आर वैल्यू का जी। ओके, फिर अपन निकालते हैं अपना बी एस की वैल्यू, बी एस इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बी एफ माइनस डेल बी एस, और डेल बी एस की वैल्यू आपकी क्या है, डेल बी एस की वैल्यू आपकी ये भी है डेल बी एस इक्वल टू बी जीरो प्लस टू बी टू टू जे प्लस थ्री, इस वैल्यू को कर देंगे हो जाएगा बी एस इक्वल टू बी एफ माइनस बी जीरो प्लस टू बी टू जे प्लस थ्री सेंटीमीटर इनवर्स हो जाए। ओके, फिर अपन इसी प्रकार से समीकरण में निकालते हैं बी जीरो का मान, बी जीरो इक्वल टू बी एफ माइनस डेल्टा बी जीरो, और डेल्टा बी जीरो वैल्यू आपकी है जिस वैल्यू दी हुई है, तो मान देंगे इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बी जीरो इक्वल टू बी एफ माइनस बी जीरो माइनस टू बी टू टू जे प्लस थ्री सेंटीमीटर इनवर्स आर पर सेंटीमीटर, वेयर जे इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एक्स वन के काम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से जो हमारी एक वैल्यू की स्थिति मिली थीटा ब्रांच एस ब्रांच और जीरो ब्रांच, तीनों ब्रांच के लिए हमने इसी वैल्यू को भी हमने प्राप्त कर लिया। अब अपन देखेंगे जो हमारा ये रोटेशनल बायसेक्शन ट्रायंगल है इसको अपन ग्राफ के माध्यम से, जो इसमें टू केसेस होंगे, एक तो होगा इसमें प्योर रोटेशनल ट्रायंगल साइड दिखाया जाएगा और एक साइड रोटेशनल बायसेक्शन स्पेक्ट्रम को शो किया जाएगा। तो अपन इस फिगर को ड्रा कर रहे हैं, आप इस फिगर में आइए और देखिए किस प्रकार से आपका प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम बनता है और किस प्रकार से आपका बायसेक्शनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाश के लिए ड्रा लाइन, अपन क्या करते हैं सबसे पहले एक लाइन को ड्रा करते हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे हम सबसे पहले क्या किए कि एक लाइन ड्रा कर ली। ओके, अब इस लाइन में हमको दो चीजें जानना है, एक इसका नाम है रोटेशनल बायसेक्शन, एक साइड जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाई देगा और एक साइड आपका रोटेशनल बायसेक्शन ग्रामा स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। अपन क्या करते हैं, सपोज दैट इसे मान लीजिए फर्स्ट में अपन ने एक लाइन इसको ड्रा किया। ओके, और यहाँ पे लाइन ड्रा किया इसके लिए क्या होगा, इसके बीच एनर्जी का है, एनर्जी का बनेगा अपन ना हम एनर्जी में लेते हैं, अपन पहले एनर्जी इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर एनर्जी इसकी और इंक्रीज होती है, फिर इसकी एनर्जी और इंक्रीज होती है, इसके बाद अब क्या हो जाएगा, पहले एनर्जी का थी अपवर्ड में, अब इसकी एनर्जी कितना क्या हो जाएगी डाउनवर्ड में आ जाएगी, इस प्रकार से एक और इसका एनर्जी बैटरी प्राप्त होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से इसकी दूसरी जो एनर्जी में प्राप्त करते हैं पुनः इसकी एनर्जी आपकी है अपवर्ड में है, फिर इसके बाद एनर्जी आपकी पुनः ये आपकी बढ़ती गई, इसके बाद क्या होगा एनर्जी आपकी पुनः डाउनवर्ड में आ जाएगी और आप एक एनर्जी में बन गया। यहाँ पे जो आपका ए स्पेक्ट्रम शोन फिगर दिखाई दे रहा है इसमें क्या देखेंगे प्योर रोटेशनल, क्या नाम है इसे अपन प्योर रोटेशनल आर ओ पी ए टी आई ओ आर ए एल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, और इसकी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी बी ई एक्स के नाम से हो जाएगी। ओके, अब अपन इसी प्रकार से पुनः देखते हैं, तो अब यहाँ पे पुनः एक लाइन ड्रा करते हैं, इस लाइन की देखते हैं पुनः कि पहले अपवर्ड में एनर्जी बैंड ड्रा करते हैं, ये आपको देखते हैं एनर्जी बड़ी कितना आपकी डाउनवर्ड में एनर्जी ड्रा करते हैं पुनः आपकी एक एनर्जी बढ़ती है। सिद्धांत इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपकी एक अपवर्ड में एनर्जी बैंड है, यहाँ पे आपकी एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर पुनः आपकी डाउनवर्ड में एक एनर्जी बैंड हमने ड्रा किया। ओके, और
रोटेशनल वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा हो जाएगा इस एनर्जी बैंड की। इस जवाब को आप कह सकते हैं द स्पेक्ट्रम इज सुपर इंटीग्रल विद प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम एट वन साइड और इन दिस ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा। ओके, यहां पे अगर देखेंगे यहां से लेकर के इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस होगी इसको अपन मेजर करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो जाएगा ओमेगा ई इनटू 1 माइनस 2f। यहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी अपन रिमूव कर रहे हैं तो ओमेगा ई इनटू 1 माइनस 2f से नाम से इसको अपन जानते हैं। ओके, और यहां भी देखिए फ्रीक्वेंसी सी रहेगी वी इन एक्स में। इस प्रकार से आपको यह स्पेक्ट्रम का जो फिगर है आपको शो कर दिया। ओके, तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा और आपको अगर कोई डाउट है आप अपने डाउट को इवनिंग टाइम सायंकालीन 3 से 5 के बीच कमेंट और चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट इस टॉपिक के अलावा इतना नहीं क्लास आपको यहाँ आना क्लास आप सारी क्लासेस के बारे में क्वेरी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे इस कॉलेज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।